हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी जिला क्षेत्र ढाका, मुंबई में आया हूँ, मजदूरी करते हैं। हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है। बिहार सरकार गुजारिश करे कि हम लोग को गाँव बुला ले। सरकार का बात हम लोग मान चुके हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए बाहर भी नहीं निकलते हैं। केंद्र सरकार का भी बात मान रहे हैं, सबका बात मान के अपने घर पे तो मैं हूँ, बाकी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा कि क्या खाएगा मजदूर लोग, क्या पिएगा, पैसा कहाँ से आएगा। 300 का हम लोग दिहाड़ी कमाते हैं, उतना में अपने घर भेज देते हैं कुछ पैसा, कितना बचते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे उस पैसे को। 1500 रख, उसको कितना दिन चलेगा, 21 दिन का मंदी है। सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूर को या गांव भेज के ये कानून लगाना चाहिए 21 दिन का बंदी, या उसका खाने का उपाय करना चाहिए, या आज तक को मालूम हो इस बात को फैलाए। सिर्फ अपने घर में अनाज है या खा लेता ये सोचो कि पूरा दुनिया खा नहीं लिया, बाकी लोग तो भूखा है, ये नहीं सोचो मैं खा लिया तो बाकी पूरा दुनिया खाया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। उस गरीब के लिए भी सोचो कि भूखा है, प्यासा है, मजदूर है, 2000 किलोमीटर यहाँ दूर आके बैठे हुआ है, वो कमाता है, वो अपने गांव में भेजता जाता है, अपने बाल बच्चे को खाने के लिए कितना रखता है मजदूर लोग। आदमी गरीब से जाके पूछे सरकार कि तुम कितना पैसा रखता है, सैलरी बच जाता है तो ठेकेदार देता भी नहीं है इस मंदी में, और कंपनी वाला भी कुछ पैसा नहीं दे पाता है, सब तो छुट्टी अचानक हुआ है। सरकार को इस बारे में सोचे और खाने का व्यवस्था करे, या बिहार भेजे उसके घर पे कि अपने बाप मतारी का शक्ल देखे, वहाँ खाए पिए, नहीं तो उपाय करे खाने पीने का। मान लो कुछ आईडी भी नहीं है किसी के पास, बहुत ऐसा मजदूर है, धराबी में रहते हैं हम लोग, ठीक है। सरकार को अनुरोध है इस बात का कुछ न कुछ उपाय निकाले। बेंगलोर में फंसे हुए हैं और 2-3 दिन से तो खाना भी नहीं मिल रहा है, और जिनके पास काम करते थे वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास तो काम बंद हो गया है, मेरे पास तो हम काम भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो खाना दे सकते हैं, आप लोग अपना रास्ता ढूंढो। तो हम लोग अनुरोध है कि हम लोग जो है किसी तरह हम अपना देश चले जाएंगे तो हम लोग वहाँ अपना जिम्मे रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं। हम लोग का जो घर वाले हैं वो सभी परेशान हैं कि वो हम लोग कमाते थे तभी हमारे घर वाले खा रहे थे आराम से, लेकिन अभी समस्या इतना हो गया है कि ना ही हम खा रहे हैं और घर वाले परेशान हैं अलग से। और घर वाले आदमी भी बोल रहा है कि नहीं जो किसी तरह आ जाओ यहाँ पे, अपना जो है कि जो भी होगा दुख सुख साथ में निभा के। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बेंगलोर में फंस चुके हैं इस कोरोना के चपेट में, इसलिए हम लोग को घर पहुंचा दिया जाए। यहाँ हम लोग सब चीज़ से चिंतित हो रहे हैं, न खाना मिल रहा है, न घूमने का जगह मिल रहा है, न और कुछ मिल रहा है, अब परेशान हम लोग हैं, घर वाले भी हमारे लोग चिंतित में परेशान हैं। राशन लाने भी जाते हैं तो बाजू का पुलिस वाले सभी परेशान करते हैं, और पैसा ही नहीं है मेरे हम लोगों के पास जो कि उतना हम लोग खा सकते हैं, और यहाँ पे 15-20 आदमी हैं जो कि सभी भूखे हैं, और अभी 2-4 उधर हैं वो सभी बोले कि हम आते हैं इधर में, और आने ही नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को यहाँ पे, ताकि हम इकट्ठा होकर वीडियो बना के आप लोग के पास भेज सकें। इसलिए आप अनुरोध है सरकार से, बिहार सरकार से, कि हम लोग को बिहार पहुँचाया जाए, कोई भी व्यवस्था अन्यथा कोई व्यवस्था किया।